आज का हमारा टॉपिक है ब्रोंकियल अस्थमा। ब्रोंकियल अस्थमा या अस्थमा एक ही चीज है। ब्रोंकियल वर्ड यूज बस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो ट्रेकिया और ब्रोंक्यूल्स किसी भी जगह पर हो सकता है, मतलब जो इन्वॉल्वमेंट वाली जगह होती है वो मेनली ब्रोंक्यूल्स ही होती है। ब्रोंक्यूल्स आपको पता है प्राइमरी होती है, सेकेंडरी और टर्शरी ब्रोंक्यूल्स हमारी होती है, तो वो इन्वॉल्वमेंट में होती है अस्थमा में मेजरली, इसलिए इसको ब्रोंक्यूल अस्थमा बोला जाता है। हमारी ट्रेका है, ट्रेकिया के बाद हमारी ये ब्रोंका, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, देन फाइनली टर्शरी, फिर ब्रोंक्यूल्स, और ब्रोंक्यूल्स के बाद एल्वोलाई। ठीक है, तो ये जो इन्वॉल्वमेंट है वो मेनली कौन से पार्ट में होता है लंग्स के? ब्रोंकाई वाले पार्ट में होता है, फिर वो चाहे प्राइमरी सेकेंडरी या टर्शरी ब्रोंकाई हो सकता है, मगर ये नहीं है कि क्या ट्रेकिया में नहीं होता, हो सकता है। ठीक है, ओवरऑल ईयर वे, अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूं जो कि ओवरऑल ईयर वे इन्वॉल्व होता है अस्थमा में। ठीक है, तो वही फिर से वही बेसिक वाली चीज है कि अगर हम ब्रोंकियल अस्थमा समझ रहे हैं तो अभी तो सिर्फ उसी तरीके से नहीं, पहले तो हमें पूरा का पूरा ब्रोंकियल अस्थमा पता होना चाहिए। अगर मैं सिंपल बार बार ब्रोंकियल अस्थमा ना बोल के मैं आपको वर्ड बोलूंगा अस्थमा, तो हमें सबसे बड़ा ये है कि हमें प्रॉपर अस्थमा पता होना चाहिए कि अस्थमा होता क्या है। क्यों पता होना चाहिए? क्योंकि अगर हमें अस्थमा नहीं पता होगा, अगर हमें उसके सिम्टम्स नहीं पता होंगे, हमें उसके कॉजेस नहीं पता होंगे, हमें उसके रीजंस नहीं पता होंगे उसमें क्या क्या सिम्टम्स आ रहे हैं क्या, तो फिर हम उसको ठीक कैसे करेंगे? भले हम ये फार्मा कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन जब तक हमें बेसिक डेफिनेशंस क्लियर नहीं होगी, उसके सिम्टम्स क्लियर नहीं होंगे, उसके कॉजेस नहीं पता होंगे, तो फिर तो वही बात हो जाएगी जैसे हम सब में वही क्लासिफिकेशन रखा। तो जिस तरीके से सारे टॉपिक कंप्लीट करें, सेम हम ब्रोंकियल अस्थमा को भी उसी तरीके से करेंगे। इसमें कुछ भी नहीं लिखा है, अच्छे से समझने की कोशिश करो, मैं बिल्कुल बताता चलता हूँ, कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आए, कोई भी डाउट आए पूछना। तो अस्थमा क्या होता है? अस्थमा इज अ क्रोनिक, क्या बोल रहा हूं मैं? अस्थमा इज अ क्रोनिक इन्फ्लामेटरी डिसीज ऑफ द ईयर वे। ये क्रोनिक और इन्फ्लामेटरी डिसीज है, यानी इसका इसके जो सिम्टम्स होंगे उसमें एक सिम्टम्स इन्फ्लामेशन तो मिलना ही मिलना है, या मैं ये डेफिनेशन से ये क्लियर तो हो गया। और इससे अब बिल्कुल चीजें पकड़ते चलो कि अगर इसके डेफिनेशन में इन्फ्लामेशन लिखा ही नहीं, क्या मतलब है कि ये इसका क्या हो गया? सिम्टम हो गया। और मतलब कि जो अब हम ड्रग पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं हम उसमें एक ड्रग इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए भी पढ़ेंगे। चीजों को यहीं के यहीं पकड़ते चलना है। ठीक है, तो अस्थमा इज अ क्रोनिक इन्फ्लामेटरी डिसीज ऑफ द ईयर वे दैट कॉज क्या? पीरियोडिक अटैक्स। आपको जानते हो कि अस्थमा के हमें अटैक्स आते हैं, पीरियोडिक अटैक्स आते हैं, कभी भी आ सकते हैं। अलग अलग टाइप के अटैक्स होते हैं, कोई कोई नॉक्टर्नल अटैक्स होते हैं जो रात में आते हैं, कोई सुबह आते हैं, कोई परसिस्टेंट होते हैं बहुत समय तक, कुछ दिन में 2-3 बार आते हैं, तो हर अटैक्स की अपनी अपनी सब टाइप्स हैं। तो क्या बोला कि ईयर वे दैट कॉज पीरियोडिक अटैक्स, क्या सिम्टम्स दिखेंगे? मेजरली क्या सिम्टम्स दिखते हैं आपको? कफिंग, कफिंग दिखेगा, वीजिंग दिखेगा। वीजिंग का मतलब क्या कि देखो, कफिंग का तो आप समझ रहे हो खांसना, वीजिंग का मतलब होता है कि एकदम जब वो सांस लेगा ना, तो एकदम आपको ऐसे साउंड, हाई पिच्ड साउंड सुनाई देगी, जैसे कहीं हल्की सीटी सी बज रही हो उसको सांस लेने टाइम। क्यों सुनाई देती है वो हम आगे देखेंगे, अभी तो मैं सिर्फ आपको सिम्टम्स बता रहा हूं कि क्या क्या आते हैं। यानी कफिंग हुई, वीजिंग हुई, और क्या क्या हुआ? शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसी वजह से जो अस्थमा में डेथ होती है वो सबसे बड़ा रीजन क्या होता है? शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। सांस लेने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है, बहुत ज्यादा। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ प्लस चेस्ट टाइटनेस, एकदम चेस्ट टाइटनेस क्यों फील होगा? क्योंकि सांस नहीं ले पाएगा, तो उसे ऑटोमेटिक ऐसा लगेगा कि उसके लंग्स क्या है, कोलैप्स कर रहे हैं, टाइट हो रहे हैं, अंदर की तरफ धस रहे हैं, और वो सांस नहीं ले पा रहा है, सांस अंदर नहीं जा रही, क्योंकि आप जानते हो जैसे आप यार अंदर लेते हो लंग्स एक्सपेंड करते हैं, तो वो सांस ले नहीं पाता, लंग एक्सपेंड कर हो नहीं पा रहे, तो उसको ऐसा लगता है कि उसके लंग्स कोलैप्स ना कर जाएं, तो उसे ऐसा लगता है कि चेस्ट टाइटनेस फील हो रही है। ये थोड़े बहुत उसके सिम्टम्स रहते हैं। अब अस्थमा होता किससे है हमें वो भी देखना चाहिए। अस्थमा इज एलर्जी, एलर्जिक्स आर स्ट्रॉन्गली लिंक्ड टू अस्थमा। क्या मैंने बोला कि एलर्जी सबसे बड़ी लिंक्ड होती है अस्थमा की, सबसे बड़ा रीजन है अस्थमा का, मोर देन 90% अगर कोई रीजन है अस्थमा का तो वो है एलर्जी। अब हम समझते हैं एलर्जी क्या होती है। एलर्जी इज अ हाइपर सेंसिटिविटी रिस्पॉन्स ऑफ
इम्यून सिस्टम, हमारी इम्यूनिटी क्या हो जाती है, हाइपर सेंसिटिव हो जाती है। क्या हो जाती है? हाइपर सेंसिटिव हो जाती है। अब दो चीजें होती है, एक होती है एलर्जिक होती है, एक होती है ऑटो इम्यून। ये दो वर्ड्स में मैंने देखा लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं। ऑटो इम्यून का मतलब होता है कि हमारी इम्यूनिटी हमारे ही खिलाफ वर्क करने लगती, हमारी इम्यूनिटी हमारे खिलाफ ही वर्क करने लगी। मतलब क्या है कि वो इम्यूनिटी हमें ही प्रॉब्लम क्रिएट करने, हमारे अंदर ही कोई ना कोई डिसऑर्डर्स हमें देने लग गई, हमारे अंदर की जो चीजें थी उन्हीं के अगेंस्ट रहने लग गई। मगर एलर्जी में ऐसा नहीं होता। एलर्जी में क्या होता है बोले, हमारे नॉर्मल बॉडी में क्या होता है कि हमारे नॉर्मल बॉडी में इम्यूनिटी होती है, कोई भी बाहर का फॉरेन पार्टिकल आएगा तो उससे लड़ने को तैयार होती है। बोले अच्छी बात है, अगर यही वो लड़ने वाली पावर अगर वो कि क्या हो जाए कि वो ज्यादा ही अग्रेसिव हो जाए, क्योंकि थोड़ी मोटी चीज तो नॉर्मल चीजें तो आती हैं, आप हर किसी को तो नहीं रोक सकते ना, डस्ट है, पोलन है, ये सारी इतनी सारी चीजें तो नॉर्मली रूटीन में आती हैं। अगर वो उनके खिलाफ भी आपकी बॉडी क्या हो जाए, आपकी इम्यूनिटी वर्क करने लग जाए, तब आप उसको एलर्जी बोलते हैं, यानी हाइपर सेंसिटिविटी। आपकी इम्यूनिटी क्या हाइपर सेंसिटिव हो जाए, और उसका मोस्ट लिंक्ड है अस्थमा। तो अस्थमा का मोर देन 90% अगर कोई रीजन है तो वो एलर्जी है। यानी मैं सिंपल सा एक वर्ड बोल सकता हूं कि एलर्जी कहीं बाहर से तो आती नहीं है, आपके बॉडी का खुद का डिसऑर्डर है, आपकी इम्यूनिटी हाइपर सेंसिटिव हो गई है, यानी एलर्जी आपके अंदर प्रेजेंट है। तो फिर आपको अस्थमा होगा कैसे? यानी कोई भी ऐसी चीज जो आपके इस एलर्जी को ट्रिगर कर दे। बोले क्या क्या हो सकता है? बोले कुछ भी हो सकता है, डस्ट बोल दूं मैं, है ना, डस्ट बोल दूं, कोई भी वेदर बोल दूं, कुछ भी बोल दूं। अभी हम और समझेंगे और क्या क्या हो सकते हैं। कोई भी ऐसी चीज है, जैसे ट्रिगर पॉइंट में मैं आपको बताऊं तो स्मोकिंग आपकी इसको ट्रिगर कर सकती है। जैसे अगर जैसे ही हुआ तो उनको आप देखते हो ना कि अस्थमा एकदम सड़न आ जाता है, लेकिन वो सड़न आने के लिए कोई ना कोई ट्रिगर पॉइंट होना चाहिए। वो ट्रिगर पॉइंट क्या हो सकता है? स्मोकिंग। उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट पैसिव स्मोकिंग इज मोर इंपॉर्टेंट देन स्मोकिंग इन कंडीशन ऑफ अस्थमा। क्योंकि लोग बोलते हैं हम तो कुछ नहीं करते, लेकिन कहीं वो ऐसी सिचुएशन में जाते हैं तो स्मोकिंग, पैसिव स्मोकिंग, इन्फेक्शंस, कैसे इन्फेक्शंस, सच एज कोल्ड, वायरस, वो सारे इन्फेक्शंस जो आपके क्या नाक मुंह के थ्रू ट्रेकिया में एंटर करने वाले हैं। तो कोई भी इन्फेक्शन हो, फिर वो आपके लिए कोल्ड हो, फ्लू हो, निमोनिया हो, यानी लंग्स का कोई भी इन्फेक्शन ट्रिगर कर सकता है। कोई भी एलर्जन फूड्स, जिनको कुछ लोगों को एलर्जिक फूड्स एलर्जी होती है, पोलन ग्रेन्स हो गए जो फ्लावर में होते हैं, डस्ट होते हैं, एयर पॉल्यूटेंट्स हो गए, कुछ टॉक्सिन्स हो गए, वेदर हो गया, और सर्टेन टाइप ऑफ ड्रग्स, कुछ ऐसे ड्रग्स भी होते हैं जो लोगों में एलर्जी होती है उनमें वो ट्रिगर कर देते हैं। बहुत कॉमन ड्रग बता रहा हूँ, एस्पिरिन, एनसेड्स, ये भी इजिली ट्रिगर कर देते हैं। पैसिव स्मोकिंग का मतलब होता है कि कोई और सिगरेट पी रहा है या कोई और स्मोकिंग कर रहा है, हम बगल में बैठे हुए और हमें लगता है कि हम स्मोकिंग नहीं कर रहे हैं, मगर वो धुआं हमें भी मिल रहा है, वो होता है पैसिव स्मोकिंग। याद रखना, जितना स्मोकिंग खतरनाक होता है उतना ही सेम, नॉट इवन अ सिंगल परसेंटेज, उतना ही खतरनाक पैसिव स्मोकिंग होता है। एक ही बात है, आप चाहे डायरेक्टली वो धुआं अंदर ले लो, चाहे कोई और लेके छोड़ के वो आपके नोज के थ्रू अंदर जा रहा हो, मतलब तो अंदर जाने से है ना, तो दोनों में सेम अमाउंट का आपको डिसएडवांटेज और आपकी प्रॉब्लम्स क्रिएट होनी है। ठीक है, तो ये सारे मैंने आपको इतने, और भी बहुत सारे ट्रिगर पॉइंट हो सकते हैं जो इन सब चीज को ट्रिगर करता है। यानी मैंने क्या क्या कि जो अस्थमा का मेन रीजन 90% रीजन है वो एलर्जिक है, तो फिर से 10% क्या हो सकता है, 10% हो सकता है कुछ रेस्पिरेटरी डिसीजेस है वो अस्थमा कॉज करा देती है, रेस्पिरेटरी डिसीजेस हैं कुछ बहुत सारी वो अस्थमा कॉज करा देंगी। बोले और क्या करा देंगी, वो क्रोनिक साइनोसाइटिस, फेस के जो साइनस होता है ना, फेस पे साइनस होते हैं, चार साइनस होते हैं, उनमें कोई भी क्या हो जाए, इन्फेक्शन हो जाए। कौन कौन से साइनस होते हैं? फ्रंटल साइनस, स्फेनॉइड और मैक्सिलरी साइनस, ये जो आपके साइनस होते हैं चारों, इनमें अगर इन्फेक्शन हो जाए, या फिर मिडिल ईयर इन्फेक्शन, ओटाइटिस मीडिया हो जाए, यानी कोई भी फेस की ऐसी चीजें जो क्या है, देखो फेस की कोई भी ओपनिंग हो, चाहे ईयर हो, चाहे आईज हो, चाहे नोज हो, वो कहाँ, एंड ऑफ द ओपनिंग तो फेस के अंदर ही होनी है, तो वो क्या है, वो नेक के थ्रू ट्रेकिया में इजिली ट्रेवल कर सकती है। तो डायरेक्ट रिलेशन इनका रहता है, अगर यहां पर भी कोई इन्फेक्शन हुआ तो वो कॉज कर सकती हैं।
मगर 10% ये सिर्फ 10% है, 90% पेशेंट को जल जाएंगे सर, फटाका मत, ठीक है। तो 10% वो सिर्फ करते हैं। अब मैं आपसे फिर क्या बोलूं, अगर मैं इतना मैंने आपको समझा, उसमें मैं ओवरऑल डेफिनेशन क्या ये बोल सकता हूं कि अस्थमा इज मार्क्ड बाय इन्फ्लामेशन ऑफ द ब्रोंक्यूल ट्यूब्स। अस्थमा इज मार्क्ड बाय इन्फ्लामेशन ऑफ द ब्रोंक्यूल ट्यूब्स। ये तो इतना तो आपने कह दिया, ठीक है सर। इन्फ्लामेशन और क्या होता है, इससे भी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिससे पेशेंट की डेथ होती है, क्या सिर्फ इन्फ्लामेशन होगी? अब आएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या कि विद एक्स्ट्रा स्टिकी सीक्रेशन इनसाइड द ट्यूब, यानी वो ट्यूब में इन्फ्लामेशन हो रहा है तो ठीक है, मगर इस ट्यूब के अंदर क्या होता है? देखो मैं आपको सिंपल सी बिल्कुल बेसिक समझो क्या होता है। आप कुछ भी, आपने कोई भी डस्ट आया, कुछ भी आया, आपके ब्रोंकियस के अंदर क्या है, एक म्यूकस होता है, म्यूकस क्लियर होती है। अब वो म्यूकस क्लियर क्यों होती है? आपको एज अ प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म कि अगर कोई भी ऐसा डस्ट पार्टिकल्स या कोई बैक्टीरिया वो यहीं पे ट्रैप होके रह जाए, इसलिए तो होती है म्यूकस क्लियर, वो बैक्टीरिया यहीं पे ट्रैप होके रह जाए। अब मैंने क्या बोला कि आपकी इम्यूनिटी हाइपर एक्टिव हो जाती है, यानी अब वो इतनी ज्यादा एक्टिवेटिव हो जाएगी कि जो एक नॉर्मल अमाउंट में म्यूकस सीक्रेट करना चाहिए था वो एक्सेसिव अमाउंट में सीक्रेट करने लग जाती है, एक्सेसिव। अब वो एक्सेसिव अमाउंट आपके लिए खतरनाक हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि वो एक्सेसिव अमाउंट इतना ज्यादा हो जाएगा और इतना स्टिकी हो जाएगा कि अंदर एयर ट्रेवल नहीं कर पाएगी, प्लस वो और इतना अमाउंट होने की वजह से जो आपका एयर वे है वो टाइट हो जाएगा, जो यहाँ की मसल्स हैं वो टाइट हो जाएंगी। जब एक्सेसिव अमाउंट में म्यूकस सीक्रेट होता है तो यहाँ की जो एयर वे की मसल्स है वो कैसी हो जाती है, टाइट हो जाती है। टाइट होने की वजह से एयर ट्रेवल नहीं कर पाती और पेशेंट को चोक जैसा फील होने लग जाता है कि वो सांस नहीं ले पा रहा। सिंपल मैकेनिज्म है कि नॉर्मल म्यूकस सीक्रेट होता है भैया, हमारी प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। अगर मैंने बोला कि असल क्या है, ये एलर्जी की वजह से, एलर्जी क्या होता है कि हाइपर सेंसिटिविटी, हमारी इम्यूनिटी एक्स्ट्रा वर्क करने लग गई, तो एक्स्ट्रा अमाउंट में म्यूकस सीक्रेट करेगी, एक्स्ट्रा अमाउंट में म्यूकस सीक्रेट करेगी तो क्या होगा, बोले एक्स्ट्रा अमाउंट में म्यूकस सीक्रेट करेगा तो क्या होने वाला है, बोले कि जो मसल्स है वो कैसी वहां की टाइट हो जाएंगी, म्यूकस ज्यादा सीक्रेट होगा तो एयर अच्छे से पास नहीं हो पाएगी, ठीक है। ये समझ आ गई। फिर इन्फ्लामेशन क्यों हो रहा है, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं हमारे बॉडी में इन्फ्लामेशन कौन सी, हमारे बॉडी में चार पांच इम्यूनिटी होती हैं, पांच इम्यूनोग्लोबुलिन इम्यूनिटी होती है, कौन कौन सी होती हैं, गैमडे याद रखना, टेक्निक GAMDE गैमडे, यानी IG इम्यूनोग्लोबिन G, ऐसे आई इम्यूनोग्लोबिन A, इम्यूनोग्लोबिन M, इम्यूनोग्लोबिन D और इम्यूनोग्लोबिन E, ये पांच इम्यूनिटी हमारे अंदर, मेनली जो इम्यूनोग्लोबिन है वो हमारे अंदर एंटीबॉडीज होती है, ये पांच एंटीबॉडीज। अब इसमें कौन सी वाली रिस्पॉन्सिबल होती है, ई वाली। जब भी हमें एलर्जी होती है हमारे अंदर जो ई वाली एंटीबॉडीज है वो हाइपर एक्टिवेट हो जाती है, वो हाइपर एक्टिवेट हो जाती है, वो ही एक्स्ट्रा अमाउंट में वर्क करने लग जाती है। अगर वो एक्स्ट्रा अमाउंट में वर्क करेगी तो क्या होगा, म्यूकस भी सीक्रेट होगा, प्लस इन्फ्लामेशन हमारी बॉडी के अंदर क्या है, एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म की तरह चलता है। पैथो में पढ़ा होगा इन्फ्लामेशन एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म की तरह होता है, क्यों, क्योंकि वहां पर कोई बैक्टीरिया वर्क कर रहा है उनको मारने के लिए भी, तो इन्फ्लामेशन एज अ प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म रहता है। तो हमारी बॉडी का इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स छोड़ने लग जाती है, जरूरत नहीं है मगर वो एक्सेसिव अमाउंट में छोड़ रही है, हाइपर सेंसिटिव हो गई, तो एक्सेसिव अमाउंट में जो मीडिएटर छोड़ रही है उसकी वजह से भी इन्फ्लामेशन बढ़ रहा है, प्लस म्यूकस का सीक्रेशन बढ़ रहा है, यानी दो पॉइंट हो गए अभी तक, इन्फ्लामेशन हो गया, म्यूकस का सीक्रेशन हो गया, और इसी के अंदर क्या हो गई, मसल टाइटनेस आ गई, ठीक है। लास्ट पॉइंट होता है एयरवे इरिटेबिलिटी, एयरवे क्या इरिटेशन हो जाती है, एयरवे इरिटेबिलिटी का मतलब एयरवे एयरवे इरिटेबिलिटी, इसका मतलब क्या हो गया कि सेंसिटिव एयरवे दैट ओवर रिएक्ट्स नैरो व्हेन दे कम कॉन्टेक्ट ट्रिगर, इतना ज्यादा म्यूकस सीक्रेट होता है उसकी वजह से जो आपका एयरवे है वो नैरो हो जाता है, नैरो, और प्लस हमारी बॉडी भी उस एयरवे को नैरो करने लग जाती है, क्यों, क्योंकि अंदर कोई चीज ना जाए, उसको लगता है यार अंदर कोई चीज जा रही है, कोई जा रही है, तो अगर हम नैरो कर लेंगे तो अगल बगल की लेयर पर म्यूकस है वो उसको चिपका लेगी। तो यानी ये तीनों नॉर्मल प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म थी, मगर ये एग्रीवेट होके अस्थमा में हमें दिखने लग जाती हैं। अब ओवरऑल मैं इसको समअप करके बोलूं तो मैं तीन चीजों को आपके सामने रखूंगा।
अस्थमा में पहली चीज मैं आपके सामने रखूंगा एयरवे ब्लॉकेज, एयरवे ब्लॉकेज। इसके अंदर मैं आप क्या रखूंगा, एयरवे ब्लॉकेज के अंदर मैं बोलूंगा एयरवे मसल, जो एयरवे की मसल है वो टाइटेन हो जाएंगी। एयरवे मसल क्या हो जाएंगी, वो टाइटेन हो जाएंगी। सो एयर कांट पास एंड थिक म्यूकस, जो मसल्स टाइट हो रही है, म्यूकस एक्सेसिव अमाउंट में सीक्रेट हो रहा है, जिसकी वजह से एयर पास नहीं हो पाएगी। ये हमारा पॉइंट किसके अंदर, एयरवे के अंदर आ गया, ठीक है भैया। दूसरा पॉइंट हमारा आएगा इन्फ्लामेशन। सर कफ होने, किसी का डाउट है सर, कफ करने पर भी कभी कभी अस्थमा हो जाता है, या अस्थमा होने के बाद कफ की प्रॉब्लम आ जाती है? कफ होने से कभी अस्थमा नहीं होगा, पेशेंट को अस्थमा होता है तो उसका एक सिम्टम्स हम पढ़ के आए थे, कफ। कफ होने से अस्थमा नहीं होता, अगर आपको अस्थमा है तो आपको एक्सेसिव अमाउंट में कफ होगा, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट हमने एयरवे बोल दिया, दूसरा पॉइंट हमने इन्फ्लामेशन बोल दिया। मैं अब बिल्कुल ये समअप कर रहा हूं, इन्फ्लामेशन के अंदर के इन्फ्लामेशन से क्या होगा, बोले कॉजेस रेडनेस, रेडनेस एज स्वेल इन ब्रोंकियल ट्यूब्स, क्योंकि आप जानते हो इन्फ्लामेशन के पॉइंट्स, रेडनेस, पेन, इचिंग, इरिटेबिलिटी, स्वेलिंग, हीट, ये सब किसके पॉइंट है, इन्फ्लामेशन के अंदर। ये सारे आपको कहां देखेंगे, ब्रोंकियल ट्यूब्स के अंदर, यानी दो पॉइंट। अब फाइनल पॉइंट, फाइनल पॉइंट क्या, एयरवे इरिटेबिलिटी, एयरवे की आपको क्या हो जाएगी, इरिटेबिलिटी। एक सेकेंड रुकना, जस्ट अ सेकेंड। एयरवे की क्या हो जाएगी, इरिटेबिलिटी, फाइनल पॉइंट। यानी क्या मैं बोल रहा हूं कि सेंस, जो सेंसिटिव एयरवे डेट ओवर रिएक्ट नैरो व्हेन दे कम इन कांटेक्ट ट्रिगर्ड। तो ये तीनों समअप था अस्थमा का। अब इससे ये मैंने आपको इतना क्यों समझाया, इसलिए समझाया क्योंकि अब जो भी आप मेडिसिन दोगे वो आप इन्हीं तीनों लेवल पे दोगे। कुछ मेडिसिन दोगे जो इन्फ्लामेशन कम करेंगी, कुछ मेडिसिन दोगे जो म्यूकस को कम करेंगी, है ना, और कुछ मेडिसिन दोगे जो मसल्स को टाइटनेस, उनको नैरो को, जो नैरो हो रहा था उसको वापस नॉर्मल साइज में लेके जाएंगी। यानी जो भी मेडिसिन होंगी वो हमारे अब इन्हीं के अराउंड घूमने वाली है। अगर हमें ये सिम्टम्स नहीं पता थे तो फिर हम बाद में पहले मेडिसिन तो पढ़ लेते, बोल देते कि अच्छा ये वाली मेडिसिन इन्फ्लामेशन कम करेगी, तो फिर आप ये डाउट में होते कि इन्फ्लामेशन कम करना है तो क्यों करना है, क्योंकि ये सिम्टम्स हैं। और ये सिम्टम्स क्यों आ रहे हैं, मैं बता चुका हूं, हाइपर सेंसिटिव की वजह से। ये नॉर्मल है मगर इन हाइपर सेंसिटिविटी ये एग्रीवेट होके दिखने लग जाते हैं, तो फिर हम उसी को हम फिर अस्थमा बोल देते हैं। तो क्या कह रहा है कि ब्रोंकियल अस्थमा इज कैरेक्टराइज्ड बाय डिसेपनिया। डिसेपनिया का मतलब क्या होता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ एंड वीस ड्यू टू इंक्रीज्ड रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ एयर थ्रू द ब्रोंकाई। वो तो मैंने आपको अभी भी, तो मैंने आपको इतना डीप में बता दिया, ये तो उसके लिए दो लाइन लिखी हुई है कि वीज और उसकी प्रॉब्लम होती है, क्यों, क्योंकि रेजिस्टेंस बढ़ जाता है फ्लो ऑफ एयर के लिए। रेजिस्टेंस क्यों बढ़ता है, फिर वही बात, म्यूकस बढ़ जाता है, मसल टाइट हो जाती हैं, जो आपका एयरवे है वो नैरो हो जाता है, तो एयर के लिए रेजिस्टेंस है ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ब्रोंकियल अस्थमा आर यूज्ड मेनली टू रिलीव सडन अस्थमा अटैक्स। आपको पता अस्थमा के अटैक एकदम सडन आते हैं, क्यों आते हैं सडन, पूछ सकता है कि सडन क्यों आने, क्योंकि हम ये बोल चुके हैं ये इनको बस एक कोई ट्रिगर पॉइंट की जरूरत होती है, ये एलर्जी के बस कोई आके ना ट्रिगर कर दे। अब ट्रिगर मैंने आपको बहुत सारे एग्जांपल बताए थे, उसमें मैंने एक एग्जांपल दिया था, इवन एक्सरसाइज भी ट्रिगर कर देती है। जो अस्थमा वाले पेशेंट होते हैं उनको ज्यादा एक्सरसाइज प्रिस्क्राइब नहीं करते, क्योंकि जैसे ही ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं उनको एकदम ऑक्सीजन की कमी होती है, ऑक्सीजन की कमी उनकी इतनी ज्यादा सेंसिटिव होती है कि उनको लगता है ऑक्सीजन की कमी हो रही, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, तो अस्थमा का अटैक आ जाता है वहीं। तो अस्थमा वाले पेशेंट को इवन ज्यादा एक्सरसाइज भी प्रिस्क्राइब नहीं करते। और बाकी ट्रिगर पॉइंट मैं आपको बहुत सारे बता चुका हूँ, स्मोकिंग, इन्फेक्शन हो गया, एलर्जन हो गया, पॉल्यूटेंट्स हो गया, टॉक्सिन, वेदर, वेदर बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है कि थोड़ा बहुत ही टेम्परेचर अप डाउन हुआ लोगों को अस्थमा की प्रॉब्लम होने लग जाती है। इवन अस्थमा अब बहुत मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम हो गई है इंडिया में, वर्ल्ड वाइड तो है ही है मगर अब इंडिया में भी बहुत मोस्ट कॉमन हो गई है। क्या होता है हमें पता है, दे मे बी टेकन बाय माउथ, इंजेक्टेड और इनहेल्ड। अब आप पूछेंगे सर कि इनहेल्ड क्यों लेते हैं, ओरली क्यों नहीं ले रहे हैं, हमने पहले ही बात करी थी कि ओरली वाले में डिसॉल्व होने में उस चीज को टाइम लगता था, लेक्चर्स हम पहले पढ़ चुके हैं, और माउथ में जाएंगे और टाइम लगेगा, इंजेक्ट में इंजेक्ट में करेंगे तो ब्लड के थ्रू जाएगा, टाइम लगेगा। बोले सबसे जल्दी क्या कर सकते हैं, इनहेल्ड,
क्यों? क्योंकि भैया वो जो रास्ता है वो इनहेलेशन का ही तो है, ट्रैकिया और ब्रोंकियोल्स, तो सीधा इनहेल करोगे वो सीधा चले जाएगा, सीधा एकदम क्लियर, क्योंकि ये एकदम सडन अटैक पड़ता है और आपको एकदम सडन आपको क्या म्यूकस को डिसॉल्व करना है और जो नैरो एयरवे हो गया उसे खोलना है, इसलिए इसको इनहेलेशन में दिया जाता है। क्यों? उसका सिर्फ एक ही रीजन है, क्योंकि हमें सडन एक्शन चाहिए। अगर हम दूसरे रूट से देंगे तो सडन एक्शन नहीं मिलेगा, टाइम लगेगा और ये अटैक है पेशेंट की तुरंत, इसमें इवन डेथ भी हो सकती है। अलग अलग क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, ये था हमारा पूरा कंप्लीटली बेसिक। और इसमें एक चीज और बतानी है, एक वर्ड बताना भूल गया, द एक लाइन बोल रहा हूँ, द एयरवे आर ट्रिगर टू टाइटन कॉल्ड ब्रोंकियल स्पास्म। जो आपका टाइटनेस हो रही थी ना पूरे के पूरे ट्रैकिया में और पूरे एयरवे में, उसको बोलते हैं ब्रोंको स्पाज्म। तो ब्रोंको स्पाज्म भी बड़ा कहीं पे आपको देखने को मिलता है, इसलिए रखना कि ब्रोंको उसको क्या बोलते हैं, ब्रोंको स्पाज्म। और जो आपकी लाइनिंग है एयरवे की वो बिकम स्वेलन और इन्फ्लेम्ड, ये तो मैं आपको बता ही चुका हूँ इन्फ्लामेशन के लिए, ठीक है, और थिक म्यूकस। तो ये वाली लाइन याद रखना है कि जो बस उसको एक वर्ड दे दिया है, क्या दे दिया है, ब्रोंको स्पाज्म हो जाता है। तो मैं बार बार आपको ओवरऑल वर्ड नहीं बोलूंगा, सिर्फ ब्रोंको स्पाज्म वर्ड बोलूंगा। अब क्लासिफिकेशंस में अलग अलग क्लासिफिकेशंस हैं ऑन द बेस के सिम्टम्स क्या थे, हम बिल्कुल एक एक करके डिफरेंट तरीके से पढ़ेंगे। तो क्या है, पहला क्लासिफिकेशन है हमारा ब्रोंकियोडायलेटर्स, ठीक है, और दूसरा हमारा क्लासिफिकेशन है एंटी इंफ्लेमेटरी एजेंट, तीसरा मास्ट सेल स्टेबलाइजर, चौथा है ल्यूकोट्रिन रिसेप्टर एगोनिस्ट और पांचवा है एंटी आईजीजी एंटीबॉडी। अब मैंने आपको जितना पढ़ाया वो सब इसी के अंदर आ जाएगा, कुछ भी इससे बाहर नहीं जाने वाला, इन पांचों के अंदर सब कुछ कंप्लीटली आ जाएगा। अब जब हम इनको एक एक करके बिल्कुल एक एक तरीके से पढ़ते हैं कि उनकी क्या मैकेनिज्म रहती है और किस तरीके से वो काम करते हैं। पहला है हमारा ब्रोंकियोडायलेटर्स, ठीक है, नाम में ही समझ आ रहा है कि ये क्या करेंगे, ये हमारे ब्रोंकियोस को डायलेट करेंगे। क्यों डायलेट करेंगे? क्योंकि वो नैरो हो चुके थे, सीधी सी बात है, वो नैरो हो चुके थे इसलिए तो उनको डायलेट करना है। तो ब्रोंकियोडायलेटर डायलेट दी ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल्स, उससे क्या होगा, रेजिस्टेंस जो भर रहा था वो कम हो जाएगा इन द रेस्पिरेटरी एयरवे और जो एयर फ्लो है लंग्स के लिए वो अब भर जाएगा। ये काम कैसे करता है ब्रोंकियोडायलेटर्स के अंदर आप तीन पढ़ेंगे, एक आप पढ़ेंगे सिम्टोमिमेटिक ड्रग्स, एक पढ़ेंगे मिथाइलसाइंस ड्रग और तीसरे पढ़ेंगे एंटी कोलर्जेनिक ड्रग्स, ठीक है। तीनों की मैकेनिज्म समझना है आपको, इसकी मैकेनिज्म बता रहा हूँ, इसकी मैकेनिज्म थोड़ी याद करने वाली है मगर बहुत सिंपल तरीके से समझा रहा हूँ, समझना क्या। सबसे पहले सपोज हमने जो पहला वाले की समझा रहा हूं मैं सिम्टोमिमेटिक ड्रग्स की, ठीक है, सिम्पैथोमिमेटिक ड्रग्स की, क्या कि ये ड्रग सपोज आपने लिया, जैसे ही आपने ड्रग लिया ये क्या करेगा, हमारा एक ही काम है कि ये क्या है ब्रोंकियोडायलेटर, यानी हमें क्या है जो ब्रोंकियल सीक्रेशन है उनको कम करना है, कंजेशन को हटाना है, प्लस इनहिबिट करना है इन्फ्लामेटरी मीडिया जो इन्फ्लामेशन कर रहे हैं वो उनको भी कम करना है, और सबसे बड़ी चीज हमें ब्रोंकियल सीक्रेशन को कम करना है। अब ऐसा तो है नहीं बॉडी में, हमने क्या बोला कि बॉडी में हमारे नॉर्मल भी सीक्रेशन बढ़ता है, जब बॉडी को बहुत ज्यादा हमें लगता है कि हम बहुत ज्यादा, तो हमारी बॉडी नॉर्मल मैकेनिज्म भी सीक्रेशन बढ़ाती है, वो जब ओवर बढ़ जाए तब आप उसको हाइपर सेंसिटिव बोलते हैं, सीधी सी बात है ना। तो जब नॉर्मल भी सीक्रेशन बढ़ता है तो किसकी वजह से बढ़ता है, कोई भी तो बॉडी में चीज होगी जो एक नॉर्मल सीक्रेशन बढ़ाती है, वो बढ़ता है सीएएमपी की वजह से, सीएएमपी साइक्लिक एडिनोसाइड एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट, ठीक है, साइक्लिक सी से साइक्लिक ए से एडिनोसिन एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। ये क्या है, ये अगर ये एक तरीके का केमिकल मैसेंजर है, ये बॉडी में जैसे ही बढ़ेगा, ये बॉडी में जैसे ही बढ़ेगा सीक्रेशन ऑटोमेटिक कम हो जाएंगे, सीक्रेशन ऑटोमेटिक कम हो जाएंगे, यानी बॉडी में जब भी हमारे नॉर्मल सीक्रेशन बढ़ाने की जरूरत पड़ती है तो वो अपने साइक्लिक एएमपी को कम कर देता है, जिससे कि हमारे बॉडी में सीक्रेशन बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो अब इसी मैकेनिज्म का हम ड्रग के थ्रू यूज करेंगे, हम क्या करेंगे कि हमें सीक्रेशन को कम करना है तो हमें साइक्लिक एएमपी को क्या ड्रग्स के थ्रू बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि हमने खुद अभी बोला कि जब बॉडी में नॉर्मल अगर बढ़ाना होता है तो वो साइक्लिक एएमपी को कम कर देगा, और साइक्लिक एएमपी अगर कम हो गई तो नॉर्मल सीक्रेशन से वो बढ़ जाते हैं,
ये तो नॉर्मल प्रोसेस है, अब एबनॉर्मली सीक्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, तो उनको कम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एबनॉर्मली सीएमपी को बहुत ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा। अगर सीएमपी बहुत ज्यादा बढ़ेगा तो वो मैकेनिज्म चला के उन सीक्रेशन को कम कर देगा, जो सीक्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं और उन सीक्रेशन की वजह से ही हमें क्या कंजेशन हो रहा है। ठीक है, तो वो कैसे, अब सीएमपी बढ़ेगा कैसे, बहुत सिंपल सी चीज है, हमारे जो क्या करेंगे हम ये जो भी ये ड्रग्स लेते हैं ना, ये वाले ड्रग्स ब्रोंकियोटाइल, ये हम इनहेल्ड करके लेते हैं, जो आप देखते हैं ना इनहेल्ड, जो अपन एकदम उनके जो क्या बाय माउथ लेते हैं, इन्हीं को लेते हैं। ये ड्रग्स क्या करते हैं, सीधे आपके कहां पहुंचते हैं, सीधे आपके पहुंचते हैं ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स में, जो ब्रोंकाइल की स्मूथ मसल्स है ना, सीधे वहीं पर पहुंच जाते हैं। बोले वहां पर पहुंच के करते क्या है, वहां पर बीटा टू रिसेप्टर बैठे हुए होते हैं। कौन बैठे हुए होते हैं, बीटा टू रिसेप्टर। अब सीधी सी चीज आप समझ आ रही है, ये रिसेप्टर है, यानी ये ड्रग इनसे जाके रिएक्शन करेगा, किसी रिसेप्टर पे आप यही तो बिठा लोगे, तो यानी ये उनसे जाके रिएक्शन करेगा, और जैसे ये रिएक्शन करेगा ये एक्टिवेट हो जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे, ये एक्टिवेट हो जाएंगे, और जैसे ये रिसेप्टर एक्टिवेट हो गए ये क्या करते हैं, ये साइक्लिक एएमपी को इंक्रीज कर देते हैं, और जैसे ही साइक्लिक एएमपी इंक्रीज हुई इसका काम क्या है कि सीक्रेशन को कम करना, तो जो सीक्रेशन एबनॉर्मली बढ़ गए हैं वो कम हो जाएंगे। ये सिंपल इसकी मैकेनिज्म है, फिर से समझते हैं, हमने ड्रग लिया, उसने स्टूमुलेट करा, किसको स्टूमुलेट करा, उसने बीटा टू रिसेप्टर्स को, बीटा टू रिसेप्टर कहां बैठे थे, वो बैठे थे ब्रोंकल्स की स्मूथ मसल्स पर, उन रिसेप्टर्स पे जाके बैठा और उनको एक्टिवेट करा, जैसे ही एक्टिवेट करा वो रिसेप्टर जैसे एक्टिवेट होते उनका काम क्या है, उनका काम है कि वो जैसे ही रिसेप्टर एक्टिवेट होंगे वो साइक्लिक एएमपी को बढ़ा देंगे। साइक्लिक एएमपी क्या करता है, बोले साइक्लिक एएमपी जैसे ही बढ़ेगा वो सीक्रेशन को रोक देता है और सीक्रेशन को कम करा देता है, बस इसी मैकेनिज्म, ये यहां तक जो मैकेनिज्म थी वो थी बॉडी की, अब इसी को हम क्या बढ़ा देते हैं, हम बाहर से ड्रग देके हमने इसी मैकेनिज्म को एक्सेसिव अमाउंट में बढ़ा दिया, तो और उससे हमारे जो क्या हो गए, जितने भी हमारे सीक्रेशन थे वो सब की सब क्या हो गए, कम हो गए। ठीक है, ये इसकी मैकेनिज्म थी। अब आपको एक चीज और समझाना चाहता हूं, दो टाइप के ड्रग होते हैं, हमेशा याद रखो, देखो हमारे ड्रग जितने भी ड्रग है वो क्या रिसेप्टर पे बैठते हैं, इस पे बैठते हैं रिसेप्टर पे बैठ के ही तो काम कराते हैं, दो टाइप के ड्रग होते हैं। अगर वो ड्रग रिसेप्टर पे बैठ के, देखो कोई भी चीज है, जैसे सपोज ड्रग ए वो अपने रिसेप्टर पे बैठेगा बी पर, और वो मिलके क्या बनाएंगे, सी, जो अभी इस केस में हुआ, क्या पढ़ा था हमने कि ए ड्रग था जो बी यानी बीटा टू रिसेप्टर पे बैठे और उन्होंने साइक्लिक एएमपी को बनाया और बढ़ाया, अगर वो इसको बढ़ाएंगे तो उसको बोलते हैं एगोनिस्ट, यानी क्या, जो नॉर्मल रिसेप्टर चीज बना रहा था आपने उसी को बनवाया, आपने कुछ अलग नहीं करा, जो रिसेप्टर बना रहा था आपने उसी को बनवाया एक्सेसिव अमाउंट में। अगर इसका उल्टा कर दूं मैं, तो उल्टा मतलब कि ड्रग ए है वो बी पर बैठेगा मगर वो सी को अब बल्कि बनाने की जगह उसकी क्वांटिटी को कम और कर दे, यानी क्या वो रिसेप्टर को ब्लॉक कर दे, क्या कर दे वो रिसेप्टर को ब्लॉक कर दे, यानी दो चीजें हो गई। मैंने बोला कि अगर ए बी के साथ मिलकर सी को बना रहा है तो आप उसको बोलते हैं एगोनिस्ट ड्रग, क्योंकि बी तो रिसेप्टर है, और अगर ए अब बी के साथ उस रिसेप्टर पे बैठ के क्या कर दे उस काम को बंद ही कर दे, यानी जो सी बन रहा था उसको कम और करवा दे, उसको बोलते हैं एगोनिस्ट यानी अपोजिट ड्रग। तो ये दोनों टाइप आप याद रखना, तो ब्रोंकोडायलेटर्स आर इज अ टाइप ऑफ एगोनिस्ट ड्रग। आगे आप ऐसे ड्रग भी पढ़ेंगे जो एंटागोनिस्ट टाइप के होंगे, और ऐसे ड्रग सब जगह आते हैं, तो कभी भी एगोनिस्ट ड्रग और एंटागोनिस्ट ड्रग के नाम से आए दो मार्क्स में तो लिख देना है, क्या लिखना है कि कोई भी ड्रग अगर अपने रिसेप्टर पर बैठकर जो उसका फाइनल प्रोडक्ट है उसको बनाने में हेल्प कर रहा है तो इट इज एगोनिस्ट ड्रग, और अगर वही ड्रग अपने रिसेप्टर पर बैठ के जो फाइनल प्रोडक्ट बनना है उसे बनने नहीं दे रहा, उसे अगर बनने नहीं दे रहा तो उसे बोलते हैं एंटागोनिस्ट ड्रग। सिंपल सी चीज, कोई कंफ्यूजिंग वाली बात नहीं है। ठीक है, ये थे हमारे एगोनिस्ट ड्रग, क्या कह रहे हैं, सिम्प्टोमेटिक ड्रग्स, यानी These drugs are potent bronchodilators. ठीक है, अच्छी बात है। ये करते क्या है, they stimulate beta 2 receptor. यही मैंने कहा था, ड्रग्स क्या करते थे, beta 2 को stimulate कर रहे थे। बिल्कुल इन ड्रग को इसी तरीके से याद करो जैसे मैं इसे एरो एरो बना के, मैकेनिज्म कभी नहीं भूलोगी,
वरना इतना याद करने का है, सब कंफ्यूजिंग में निकल जाएगा। बोले ड्रग है जिसने स्टिमुलेट करा बीटा टू रिसेप्टर को, बीटा टू रिसेप्टर बैठे कहाँ थे? बोले सब बीटा टू रिसेप्टर बैठे थे ब्रोंकियल की स्मूथ मसल्स पे, ठीक है भैया, ठीक है वहां बैठे थे। उन्होंने करा क्या, नहीं वो रिसेप्टर जैसे एक्टिवेट हुए उन्होंने साइक्लिक एएमपी को इंक्रीज कर दिया, साइक्लिक एएमपी यानी साइक्लिक एडिनोसाइड साइक्लिक एडिनो एनोसाइड मोनोफॉस्फेट, ठीक है, उसको उसने इंक्रीज कर दिया। बोले इंक्रीज करने से क्या हुआ? बोले जैसे ही सर ये इंक्रीज होते हैं ये जो हमारे कितने ब्रोंकियल सीक्रेशन है उन सबको रिड्यूस्ड कर देते हैं। इनका काम है कि जितने भी ब्रोंकियल सीक्रेशन हो रहे हैं उन सबको रिड्यूस्ड करो, और जो इन्फ्लामेटरी मीडिया और जो भी बहुत सारी चीजें हैं उन सबको भी कम करो, मगर प्राइमरी काम क्या है कि बोले सीक्रेशन को रिड्यूस करो। ये इसकी मैकेनिज्म है, साइक्लिक एएमपी लेवल्स रिड्यूस ब्रोंकियल सीक्रेशन कंजेशन एंड इनहिबिट रिलीज ऑफ इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स, ठीक है। क्या क्या है? सोल ब्यूटामाल टेरब्यूटालाइन आर सिलेक्टिव बीटा टू एगोनिस्ट, आ गया वर्ड एगोनिस्ट। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट। एगोनिस्ट मैं फिर बोल देता हूं, ए ड्रग अगर अपने बी रिसेप्टर के साथ मिलकर सी प्रोडक्ट को बना रहा है तो डेट आर एगोनिस्ट।